आम्रपाली ग्रुप से जुड़ी हुई खबर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आम्रपाली ग्रुप के रुके हुए प्रोजेक्ट पर एनबीसीसी जल्द काम शुरू कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक एनबीसीसी ने आम्रपाली के सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर भी मंगाए जा चुके हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि नोएडा के 144 टावर में काम जल्द शुरू होगा, जबकि दो प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो भी चुका है। आपको बता दें कि आम्रपाली के करीब 45,000 ग्राहक घर का इंतजार कर रहे हैं। और प्रकाश हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, और क्या क्या कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो इंतजार था उस लिहाज से एक बेहतर संकेत मिलने शुरू हो रहे हैं? जी बिल्कुल, और काफ़ी समय से होम बायर्स इस प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, और अगर आप आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे प्रोजेक्ट्स को देखें, जी बिजनेस के पास वो सारे रिपोर्ट हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स को कब कंप्लीट करना है, उसकी पूरी रणनीति एनबीसीसी ने बनाई है। जैसा कि हमें सोर्सेज के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि नवंबर तक कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम पूरा करने का टारगेट रखा गया है और होम बायर्स को कुछ घरों के पोजीशन मिल सकते हैं। इसके अलावा करीब 4 ऐसे कैटेगरी बनाए गए हैं जिसमें 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के हिसाब से इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा। मतलब ये कि जिन प्रोजेक्ट्स में अधिकतम काम पूरे हो चुके हैं, मान लीजिए 80% का काम पूरा हो गया है, उन प्रोजेक्ट्स को 6 महीने के अंदर पूरा करना है, और जिन प्रोजेक्ट्स में अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है उसको 36 महीने के अंदर पूरा करना है। इसके अलावा अगर आप उन रिपोर्ट्स पर देखो जिसको हमने देखा, उसमें करीब करीब 356 ऐसे टावर हैं जिनकी समीक्षा की गई है। ये देखा गया है कि किसमें कितना काम हुआ है। नोएडा में करीब 144 ऐसे टावर हैं जिनमें सबसे पहले काम शुरू होगा और इसकी पूरी रणनीति बनाई गई है। ग्रेटर नोएडा में करीब 212 ऐसे टावर हैं जिनका काम शुरू करना है और उसकी समीक्षा की जा रही है। तो जाहिर तौर पे होम बायर्स के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं और उसकी तैयारी एनबीसीसी की तरफ से की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है फंड की, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें कैसे काम होना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे जो आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो एसेट्स हैं उनको बेचा जाए। और जो चुनौती सामने आ रही है एनबीसीसी के सामने वो ये है उसके वैल्यूएशन का। अगर जितनी तेजी से वो प्रोजेक्ट्स बिकते हैं, एनबीसीसी के पास फंड आते हैं, फिर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना आसान होगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि पैसे की जो इंतजाम है वो किस तरीके से होता है और इन प्रोजेक्ट्स को कितने कम समय में पूरा किया जाता है।